पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है, आपने लिए हैं शायद किसी नेता के नाम, सब झूठ है। हाँ, पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। पुलिस मेरे साथ कहीं दुर्व्यवहार कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। आइए आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी को तमिलनाडु पुलिस ने कब्जा किया कि नहीं किया, उसको रिमांड पे लिया कि नहीं किया। तो यह बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को के फ्लाइट से तमिलनाडु ले गया है। लगभग 2:05 में उनका फ्लाइट था और तमिलनाडु पुलिस ने रिमांड पर मनीष कश्यप को ले गया है। और पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप ने बहुत ही दर्दनाक एवं बहुत ही खुशी एवं अनोखा अंदाज में कई सवालों के उत्तर दिए हैं। मनीष कश्यप ने यह भी उत्तर दिया कि मैं किसी भी तरह का पांच नेता का नाम नहीं बका हूं, यह भी रिपोर्ट गलत चलाया गया है। मैं किसी भी तरह का कोई बड़ा भाजपा का कोई बड़ा नेता का नाम नहीं बोला हूं, यह भी गलत कहा गया है। और कुछ दिन पहले न्यूज ये भी चल रही थी कि मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा राज खोला। राज क्या खोला कि पटना के 5 शिक्षण संस्थानों के शिक्षक का नाम लिया है। मनीष कश्यप ने स्पष्ट शब्द में यह भी कह दिया कि मैं वैसे कोई शिक्षक का नाम नहीं लिया हूं। और ये भी सामने आ रही थी सबसे बड़ी खबर ये, और सब मीडिया वाले सब क्या बोलेंगे, आजकल की सबसे बड़ी खबर, मनीष कश्यप ने एक भाजपा के बहुत बड़ा नेता का नाम उगला है। तो भैया मनीष कश्यप कहाँ बोले, मनीष कश्यप तो ये बात नहीं बोले। उनसे पूछा गया कि मनीष कश्यप जी क्या आप कोई बड़ा नेता का नाम बोले हैं, वह नेता के नाम क्या बता सकते हैं। तो मनीष कश्यप ने बोला यह बिल्कुल झूठ है, हम पर पॉलिटिकल आरोप लगाया जाता है। एक नेता सही लोग कहता है कि नेता से कोई नहीं जीत पाता है, आप लोग का नेतागिरी अपने में नेतागिरी करना चाहिए। एक बिहार के लाल पत्रकार को जो आप लोग फंसाने का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और इतनी बड़ी सजा ना, ये बहुत बड़ा रेपिस्ट है, ना बहुत बड़ा क्राइमर है, ना बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड है, या एक पत्रकार है। और पत्रकार के लिए इतनी बड़ी सजा जो आप दे रहे हैं हमारे बिहार के नेता लोग, यह आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, यह गलत नहीं महागलत है। मनीष कश्यप ने कई सवालों के उत्तर दिए। उनसे पहला सवाल पूछा गया कि मनीष कश्यप जी आप बताइए कि आप कोई भी भाजपा के बड़ा नेता के नाम उगले हैं। मनीष कश्यप ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। मनीष कश्यप ने चिल्लाते हुए एवं सभी रिपोर्टरों को कहा कि आप लोग भी मजदूर का आवाज बनिए, बिहार के मजदूर का आवाज बनिए, जो मैंने बोला उनको वही अंदाज, वही अनोखी अंदाज है। मीडिया वाले कुछ भी ये भी चला रहे थे कि मनीष कश्यप को बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने, मनीष कश्यप ने तमिलनाडु पुलिस एवं बिहार पुलिस का भी सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि हमको किसी भी तरह का दिक्कत ना बिहार पुलिस से हुई है ना तमिलनाडु पुलिस पे हुई है, मुझे बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस पर मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु, वहाँ पे क्या पूछताछ होगा मैं बढ़िया ढंग से बताऊंगा, जो भी हमसे पूछा जाएगा मैं बताऊंगा। और क्या गलत है क्या सही है इसका निर्णय तो जनता करेगी। जनता बिहार बंद करके मनीष कश्यप एवं पत्रकार के लिए बहुत ही नेक काम की है कि नहीं की है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। आइए मनीष कश्यप के कुछ देखते हैं कि क्या क्या उनसे सवाल पूछा गया पटना एयरपोर्ट पर और क्या क्या बोला गया। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना, आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है क्या? वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है, आपने लिए हैं शायद किसी नेता के नाम, सब झूठ है। हाँ, पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। पंकज आपको कुछ कहना है? हो गया, कुछ कहना है सर? पीछे हो गया, चलिए इधर 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 चलिए आप प्लीज। बात तो हमारा सबको क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है, क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? गलत बात है, आपके देख सकते हैं। क्या तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? पंकज आपको कुछ कहना है? हो गया, हो गया, कुछ कहना है?
जरूर इतना भरोसा है, जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं पर व्यवहार नहीं कर रहा है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया है। भैया फटिए ना थोड़ा सा, टोपी आ रहा आपका, विजुअल हम लोग का बनने दें थोड़ा सा। रिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया है। अरे आप मानते हैं कि गलती हुई है? कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना, आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है क्या? वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है आपने लिए हैं, शायद किसी नेता के नाम, सब झूठ है। पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। आप लोग थोड़ा सा यहीं पे बस।